मैं अश्विनी गुप्ता, शिवसेना राज्य प्रमुख, बाला साहब ठाकरे, एकनाथ शिंदे ग्रुप। मोदी जी ने जो CAA इंडिया में लागू किया है, अब उनका वेलकम करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर जो भी इन्होंने हिंदुओं को शरणार्थी के लिए सेट किया है, हम उनका बहुत वेलकम करते हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर एक कस्टोडियन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मैं माननीय गवर्नर जी से प्रार्थना करता हूं कि जैसे इन्होंने हिंदू शरणार्थियों को इंडिया में रहने के लिए जगह दी है, वैसे ही हमारे कस्टोडियन जम्मू कश्मीर के अंदर एक कस्टोडियन डिपार्टमेंट है, उसको ख़त्म किया जाए। जिनके पास दुकान है, मकान है, छोटा सा मात्रा, थोड़े से पैसे लेकर किस्तों में उनको दे दिया जाए, तो जैसे ही शरणार्थियों को जगह दी है, वैसे ही जो है कस्टोडियन डिपार्टमेंट ख़त्म किया जाए। तीसरा, शिवसेना जम्मू कश्मीर पांचों की पांचों सीटों में हम कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। जो पांच कैंडिडेट हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी हमने लिस्ट बनाई है। लिस्ट बनाकर बाया डाटा पांचों पांचों लोगों का हमने अपने हाई कमांड में भेज दिया है। हाई कमांड में आज शाम को मीटिंग होगी, जो मीटिंग में एक्सेप्ट होगा कि इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ा जाएगा। जो बोलेंगे कि बीजेपी के समर्थन में आप उतरेंगे तो बीजेपी के समर्थन में हम उतरेंगे, नहीं तो हमारी इलेक्शन की पूरी तैयारी है। और हमें पांच लोग जो हैं उनका बायोडाटा बनाकर हमने भेज दिया है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि जितने भी कस्टोडियन के लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कस्टोडियन नाम की कोई भी जगह नहीं है, जितने भी कस्टोडियन के मकान हैं, दुकान हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं, उनको दिया जाए। जैसे ही कश्मीरी पंडित 1990 से कश्मीर छोड़कर जम्मू आए थे या बाहर गए हैं, उनका भी जो कस्टोडियन बना है तो उनका भी कश्मीर के अंदर कस्टोडियन होना चाहिए था, उनके भी मकान कस्टोडियन डिपार्टमेंट को देने चाहिए थे, जो आज इनको वापस भेज कर उनको मकान मिल जाते। मैं माननीय गवर्नर साहब से ये प्रार्थना करता हूँ, कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म किया जाए, जैसे भी हो इन लोगों से थोड़े छोटे छोटे मात्रा से पैसे लेकर किस्तों में ये डिपार्टमेंट जो है ख़त्म किया जाए। जय महाराष्ट्र, जय जम्मू कश्मीर, जय हिंद।